बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल व्लॉगर खालिद। मैं इस वक्त मौजूद हूं मीनार पाकिस्तान में और आज आपको मैं मीनार पाकिस्तान का टूर करवाता हूं। तो आप देखिएगा कि ये सब कितना खूबसूरत है और कितना प्यारा है। वक्त के साथ साथ ये बदलता जा रहा है और आज भी मुझे इसमें बहुत चीज़ें जो हैं वो बदली हुई नज़र आती है। तो आए चलते हैं और देखते हैं कि कैसा है मीनार पाकिस्तान। किसी ज़माने में यहाँ पर आदमी बाहर करता और आप यकीन कह के मैं ड्राइवर साहब से बात कर रहा था कि मुझे यहाँ पर रहते हुए तकरीबन 40-45 साल हो गए। मैं यहाँ से कोई 5 किलोमीटर दूर पे रहता हूँ। तो मैंने ये गाड़ी जो है आज देखी है और ये बता रहे हैं कि ये तकरीबन 15 साल से यहाँ पर चल रही है। गाड़ियाँ एक दो वो दूसरी गाड़ियाँ जो गल्फ में इस्तेमाल होती है और एक इसके अलावा ये बग्गी है। ये तीन चीज़ें हैं खूबसूरत चलाई गई हैं क्योंकि ट्रैक भी काफ़ी लंबा हो जाता है। तो जो लोग बुरे हैं उनके लिए चलना ये करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो उनके लिए आसानी है कि वो इस पर बैठ के एक खूबसूरत सी राइड ले लें और सारा इंजॉय कर लें। इसलिए आपको झूले भी आएंगे, आपकी राइड भी हो जाएगी और आपकी मीनार पाकिस्तान की जो सैर है वो भी हो जाएगी। दोनों तरफ में बड़े लश ग्रीन लाइट बनी हुई है, तो उसमें आपको दरम्यान से गुजरता हुआ अच्छा लगता है। ये सामने नीम के दरख्त है, नीम का दरख्त बहुत कीमती दरख्त है और बड़े अरसे के बाद मैंने देखे हैं। वरना जब से हमने ये दूसरे दरख्त लगाने स्टार्ट किए नीम को शीशम को तो हम भूल गए हैं और यहाँ से ये लालपन वापस होगी और वापस होके फिर दूसरी तरफ को भी जाएगी। ये देखिए घूम गई है। चलिए मैं अब आपको उस रात की जो है मुकम्मल वो शहर वो है। इसके बाद कोशिश करूंगा कि आपको बाकी भी जो चीज़ें वो भी दिखाई जाए। जब आप बच्चों के साथ आज तो मौसम बहुत अच्छा हो गया, अभी आने वाले दिनों में मौसम अच्छा ही होगा और ये दिन है सैर करने के, बागों में घूमने के। और वो वाला मौसम जो कहते हैं कि बागों में झूले पड़े, तो झूले तो यहाँ पर पहले ही पड़े हुए सत्तर पे ले रहे हैं झूले के। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ कि ये जो मैंने बैठा हूँ ये भी इसकी भी फीस इतनी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल मुनासिब है, 75 रुपये है। तो 75 रुपये कुछ ज़्यादा फीस नहीं है। इसके साथ ये मैंने आपको बताया था कि ये दो सड़कें यहाँ पर जा रही है राइट साइड पे, ये किसी ज़माने में वो मस्जिद के साथ हुआ करती थी, वहाँ से उठा के सड़कें इस तरफ कर दी है ताकि ये पार्क को ज़्यादा जगह ज़्यादा मिल जाए, खूबसूरत हो जाए और लोगों के लिए आसानी हो उसमें घूमने फिरने की। ये देखे अब राइट वाला खाता लेफ्ट पे चला गया जहाँ से आपको वो पुल भी नजर आएगा जिसे आजादी इंटरचेंज कहा जाता है, जिसके बनने से जो सारे यहाँ का ट्रैफिक का मसला था ना वो हल हुआ था, वो ये वाला पुल है, ये आपको नजर आ रहा है। इस पुल के बनने से जो इस इलाके का मसला था ना ट्रैफिक का, ट्रैफिक बहुत ज्यादा फंसा करती थी यहाँ पर, तो वो अलहमदुल्ला जो है वो आप क्लियर होंगे। यहाँ से मीनार पाकिस्तान का मंजर देखें, आप मीनार पाकिस्तान के तकरीबन चारों तरफ घूम रहे हैं, तो आप यूँ कह लें कि 80% आप दोनों तरफ में घूम लेंगे इसको। ये वही पॉइंट आ गया जहाँ से ये चली थी, रास्ता मांगा जा रहा है हर देकर, अब मर्जी है लोगों की रास्ता दे या ना दे। और ये जो इसके बाद नेक्स्ट आएगी वो खड़ी है और अब आपको नज़ारा करवाया जाएगा इस तरफ का। ये दूसरी साइड की तरफ हम जाएंगे, पहले हम मीनार पाकिस्तान से यहाँ तक तकरीबन हो गए हैं, आप यूँ कह लें कि 70-80% जो मीनार पाकिस्तान की राइड है ना वो हो जाएगी। और ये उनसे आप मैं कोशिश कर रही हूँ कि खाना नहीं जाएगा, खाना इनका बराबर रहता है और राशि पूरा जगह ना।
दिखाओ, तो ये देखे जो मजा होते हैं ना उनके आपस में क्रैश नहीं होता। मुसलमानों की बात छोड़ने से और सिखों का गुरुद्वारा दोनों साथ में कितना दिलकश है, कितना मोहब्बत का रिश्ता नजर आता है इन चीजों में। अगर आप सोचें इसी तरह हमारे हमसायों में भी मोहब्बत होनी चाहिए, तो हमारा दीन ये कहता है कि दूसरे मजहब का एहतराम किया जाए। जितना भी आप कर सकते हैं अपने दूसरे मजहबों का एहतराम करना। वो क्या कहते हैं कि आप किसी के झूठे रब को गाली ना दो, वरना वो आपके सच्चे रब को गाली देगा। राशि यहाँ पर पढ़ना शुरू हो गया क्योंकि शाम हो गई है और एकदम बादल आ गए, उसकी वजह से राशि जो है वो शुरू हो गया। ये गुरुद्वारा बड़ा खूबसूरत लग रहा है, गोल्डन कलर में। और यहां से हमने वापसी का सफर करना है और मैं अपना सफर यहीं पे खत्म कर दूंगा शुक्रिया के साथ, क्योंकि मैंने इनसे सर जी मुझे क्यों उतार देना। मैंने रिक्वेस्ट की थी इनसे कि मुझे आगे बिठा लें ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं। सर बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी है आपकी। तो इन सर ने मेरी रिक्वेस्ट को माना और इनकी मेहरबानी है, और इनकी मेहरबानी से आपने ये सारा मंजर देखा है। तो चले नीचे उतरते हैं जी। ये देख ले जी, ये है रास्ता जहां से आप शाही किला की तरफ जाते हैं और बादशाह मस्जिद की तरफ जाते हैं, और ये है सामने गुरुद्वारा। देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत, एक तरफ शाही किला, एक तरफ बादशाह मस्जिद, और दरमियान में ये गुरुद्वारा है जी। सिख भाइयों के लिए खसूसी तौर पर ये, और ये वो गाड़ी जिस पे राइड ली है और नीचे उतरे हैं। तो चले अंदर की तरफ चलते हैं। वो देखिए एक बग्गी उधर खड़ी हुई है। मैंने जो आपको गल्फ वाली गाड़ी कहा था तो वहां पर चलती है बगैर, ताकि इसमें पोल्यूशन वगैरह ना हो। ये सामने वो खड़ी है वाल सिटी की तरफ से, और ये बग्गी है, ये वो गाड़ी है, और ये शाही किले का दीवार, और ये सिख हजरात का, सरदार हजरात का गुरुद्वारा। चले जी मीनार पाकिस्तान का ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आपने मीनार पाकिस्तान देखा, तो कोशिश मैंने की कि मैं आपको चारों तरफ से दिखाऊं जितना दिखा सका। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।